एसएस राजामौली की ट्रिपल आर केवल 40% क्यों बन पाई है और इस फिल्म का क्लाइमैक्स कितने मिनट का होगा? अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कितने करोड़ का फायदा होगा? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग भव्य स्तर पर चल रही है, लेकिन जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म अब पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये फिल्म अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। पहले फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो रही थी। फिल्म की नई रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है। फिल्म की कहानी 1920 के दशक के दो स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर आधारित है। इन दोनों वीर पुरुषों ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि फिल्म इन दोनों लड़ाकों की दोस्ती के बारे में कही जा रही है। हाल ही में खबरें थी कि फिल्म की कास्ट में किच्चा सुदीप भी जुड़ चुके हैं। माना जा रहा था कि किच्चा सुदीप फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन किच्चा ने साफ करते हुए कहा कि वो फैंस की खुशी समझ सकते हैं, पर उन्हें ऐसे किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए एसएस राजामौली बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी तरह से काल्पनिक है। ये दो सच के हीरो की कहानी है। मैं छोटे स्तर में फिल्में बनाना पसंद नहीं करता और इसलिए इस फिल्म में भी सब कुछ काफी बड़े भव्य स्तर पर किया जा रहा है। फिल्म के लिए रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर भव्य स्तर पर 20 तारीख से एक्शन सीन शूट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों ने अलग अलग अपने एक्शन सीन शूट किए हैं और इसके बाद फिल्म लगभग 50% पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए 15 मिनट का एक लंबा फाइट सीन शूट होना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इससे पहले फिल्म का इंटरवल सीन देखकर भी फैंस वाह कह उठेंगे। इस फिल्म के लिए अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच कड़ी टक्कर चली। माना जा रहा था कि दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। खबरें यहां तक थी कि अजय देवगन ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आखिरकार सारी अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए अजय ने इस रोल को अपने नाम कर लिया है। खबर है कि फिल्म में अजय देवगन रामचरण तेजा के पिता की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की टीम ने अजय देवगन का स्वागत करते हुए लिखा था, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमारे इस फिल्म में एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। इंतजार ही नहीं हो रहा है। ट्रिपल आर आजादी के पहले की समय की फिल्म है, जहां रामचरण तेजा पुलिस और जूनियर एनटीआर एक डाकू की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में देखना है कि इस नॉर्मल सी कहानी में वो ऐसा क्या अद्भुत करते हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में बाहुबली की पूरी टीम वापस एक साथ काम कर रही है। पिछली बार जब इस टीम ने काम किया था तो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बना डाली थी। इस बार अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो हो सकता है कि फिर से इतिहास दोहराया जाए। एसएस राजामौली ने काफी पहले ही एकदम साफ साफ कहा था कि आलिया भट्ट और अजय देवगन फिल्म में केवल सहयोगी भूमिका में होंगे। जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा की अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म से अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कम से कम 200 करोड़ का फायदा होगा, यानी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। अब ये देखना है कि क्या ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप ट्रिपल आर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।